नारायण, हाँ दस्तखत मैंने कर दिए, हाँ। अब तुम इन्हें इनका काम समझा देना, ठीक है? सुनो, तुम लोग इस नारायण भैया से अपना काम समझ लेना, ठीक है? चलो चलो जी साहब। अब जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। अरे बचुआ, चल दक्षिण के बगीचे से घूम कर आते हैं, चल। हाँ साहब। चल जल्दी चल। जी हुजूर, ये मेरा बेटा राज आया है। अच्छा, तो तुमने इसको काम समझा दिया ना? हाँ हाँ हाँ, एकदम। फिलहाल उसे बगीचे में लेकर जाओ, थोड़ा काट वाट कटवाओ, शरीर मजबूत होगा, क्या समझे? है ना? नहीं नहीं, चल रहे। चलिए साहब, चल चल ना मेरे साथ, ठीक है ना? देखा ना कितने अच्छे आदमी है, बहुत भले मानुष है ये, तू बेकार में ही बहस करता है। ए राज, ये छोटे मालिक, प्रणाम कर। सुन नहीं पा रहा क्या? मैं कोई कुत्ता हूँ जो है करके पुकारेंगे और मैं जवाब दूंगा? कहिए, इंसान की तरह पुकारे तो जवाब दूंगा। राज मंगल जी, छोटे हुजूर, अपने बेटे को समझा दो, वो यहाँ काम करने आया है, जरा सोच के बात किया करे। हाँ छोटे मालिक, कह देता हूँ। चल चल चल, तू चल, खड़ा क्यों है? मंगल के लड़के, बोल सूर्य का लड़का। मत भूल मैं तेरा मालिक हूँ। बहुत बुरा लगा है ना? मुझे भी बुरा लगा। अब की बार से आप जितनी बार मेरे बाबूजी का नाम लेंगे, उतनी बार मैं भी आपको आपकी बाबूजी की याद दिलाऊंगा। एक और बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लीजिए छोटे मालिक, मेरा नाम है राज, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मेरे ही नाम से पुकारना। राज राज, आप काम पे जा, हुजूर ने कहा ना। छोटे हुजूर, आप उसको एक बार माफ कर दीजिए, आप उसकी बातों का ध्यान मत दीजिए, एकदम नादान है वो, उसको माफ कर दीजिए हुजूर आप। चल जाओ यहाँ से, चलता कमीना कहीं का। पापा ने जीप भेजी है। हेलो, हे हे हे, तब से बुला रही हूँ तुम्हें, तुम्हें सुनाई नहीं देता। आप मुझे बुला रहे और थे? नहीं तो क्या? ये कर रहे थे ना आप? मुझे लगा कि आप किसी गाय या भैंस को पुकार रहे थे। शट अप, ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह बिहेव करो। बात ऐसी है मैडम, मैंने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा है तो हाथ अभी तक सेट नहीं हुआ है, पहले हाथ सेट हो जाए फिर बातें भी सेट हो जाएंगी। तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती? किसी तरह चलाता हूँ, पर कभी कभी हाथ इधर उधर मुड़ जाता है। वैसे मैं आपको घर पहुँचा दूंगा। ओह माय गॉड। हाँ, भगवान का नाम तो लेना अच्छा है, आप फिलहाल बैठ जाइए। क्या, मैं यहाँ तुम्हारे बगल में बैठूंगी? देखिए, मेरे बगल में बैठने से अगर आप गिर जाती है तो मैं आपका हाथ पकड़ के आपको पीछे बैठेंगी, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं पीछे ही बैठूंगी, चलो तुम। जैसी आपकी मर्जी, आइए। करूं मैडम, ये सड़क तो शहरों जैसी नहीं है ना, ये गांव के कच्चे रास्ते हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी। ए इडियट, कहीं के तुम देखकर गाड़ी नहीं चला सकते क्या? मैंने पहले ही कहा था आपसे, मेरे बगल में बैठिए, पीछे बैठने से मेरी जिम्मेदारी नहीं है। रास्कल,
मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े सब गंदे हो गए। मैंने जब आपसे कहा था तभी आपको मेरी बात माननी थी। अरे रे रे रे, सारे कीमती कपड़े गंदे हो गए। ए, उठाओ, चलो उठाओ उसे। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं आपके कपड़ों को हाथ लगाऊं? अगर गांव के लोगों ने देख लिया तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी? तो ये सब क्या तुम्हारा बाप आकर उठाएगा बदतमीज? माँ बाप को बीच में लाने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपके माँ बाप को लेकर हमारी भाषा में गाली दूं, आप सहन नहीं कर पाएंगे। ये बात अपने छोटे से दिमाग में घुसा लीजिए। बेटी, अरे क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? क्या बात है, क्या हो गया? रो क्यों रही है? अरे रो मत, बता क्या हुआ? नहीं रोते बेटा, बोलो क्या हुआ, क्या हुआ बता। अरे फेक बन, अरे बाप रे, रोना बंद करके बोलेगी भी, हुआ क्या है असल में? तुम अपना मुंह बंद करो, देखती रही लड़की तब से रो रही है, क्या हुआ जो करना है करो। पता है इतना लंबा रास्ता कितने भारी भारी सामान के साथ मुझे चल चल कर आना पड़ा है। चल चल के? अरे सामान क्या हुआ पिताजी? अरे अरे कविता, तू कब आई? क्या हुआ, तू रो क्यों रही? रोएगी नहीं, ये स्टेशन से चलती हुई घर पहुंची है। क्यों चलते हुए क्यों? मैंने तो गाड़ी देकर राज को स्टेशन भेजा था, वो गया नहीं। आपने जिसको भेजा था वो मुझे रास्ते में अकेला छोड़कर चला आया। उस कमीने ने तेरे साथ भी बदतमीजी की, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रुको रुको, सुनते ही जनाब मानने चले। इतना ही बहन से प्यार है तो खुद क्यों नहीं गए उसके साथ? जरूर तूने ही उसको कुछ कहा होगा। कुछ नहीं कहा मैंने, ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा था इसलिए मैंने उसे बोला। इडियट, ठीक से गाड़ी नहीं चलानी आती। सुनते ही लाड साहब को गुस्सा आ गया, तब पता है पापा गाड़ी और गंदे तरीके से चलाने लगा, और फिर उसके बाद मेरा सूटकेस गिर गया और सारे कपड़े गंदे हो गए। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा बदतमीज, ये तुम्हारा बाप आकर उठाएगा। सही किया, बिल्कुल सही। हाँ हाँ सही कहा, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी लाडली जो है, तुम्हारे जगह कोई और होता तो इसको सबक सिखा देता। अरे चुप रहो, सबक सिखलाना इतना आसान है? सबक सिखलाता? अरे मंगल इधर आ। जी 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 हुजूर, नमस्ते मालकिन। अपने बेटे की करतूत सुनी? क्या? तुम्हारे बेटे पर भरोसा करके बिटिया को स्टेशन से लाने भेजा था। हाँ? और उसने इसके साथ बुरा बर्ताव किया। सिर्फ यही नहीं, आपके बेटे ने गाड़ी से मेरा सूटकेस फेंक दिया और मेरे सारे महंगे कपड़े बर्बाद कर दिए। आप उसको माफ कर दीजिए मियां साहब, मैं अपने हाथों से आपके सारे गंदे कपड़े साफ कर दूंगा, एकदम चमका दूंगा।